guys, welcome back to my channel. So today I'm going to create this look on my channel and this is a new way of applying foundation. So मैंने वो TikTok पे देखा था नया वाला look, ये नई technique कि कैसे foundation लगाते हैं अपने face पे, तो वही मैंने करा है. And I hope कि आप लोगों को दिख रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी technique है. See, इस बिल्कुल भी कहीं पर कोई भी patchiness नहीं है. तो ये technique देखने के लिए हम जल्दी से वीडियो के अंदर चलते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो. और बिफोर हम ये वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल व्हिच इज डाउन देयर. सो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और उनको भी बोलना कि वो सब्सक्राइब करें. सो मैं हिंदी में ये वीडियो बना रही हूँ और आज हम एक नए तरीके से फाउंडेशन लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे ट्रेंडिंग है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपनी स्किन को पहले ही प्रेप कर लिया है. मैंने टोनर और सीरम लगा लिया है. नाउ हम अप्लाई करेंगे एक अच्छा मॉइस्चराइजर, थिक मॉइस्चराइजर. सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल का रिच वेलवेटी मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया लेकिन होता है. तो गाइज मॉइस्चराइजर हो गया है और मॉइस्चराइजर अच्छे से मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है अपने फेस पे. अब बारी आएगी सबसे न्यू थिंग जो कि हम इस बार यूज़ करेंगे, ये मेबेलिन का फिट मी पाउडर. जिसे हम अपना फेस सेट करते हैं तो हम ये वाला पाउडर यूज़ करेंगे उसके लिए. और उसके लिए मैं ये लूँगी फ्लफी ब्रश पाउडर के लिए और मैं इसको सेट कर लूँगी अपने फेस को. ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम पे आपके टिकटॉक पर. और आप टिकटॉक पे देखोगे तो ज़्यादातर जो मेकअप वीडियोस बनाते हैं वो यही वाला ट्रिक कर रहे हैं और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है. एक्चुअली फाउंडेशन का रिज़ल्ट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. तो हम ये अपने पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई कर लेंगे ताकि स्वेटिंग ना हो. तो हमने पाउडर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे. अब हमारी टर्न आती है, ये सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे. और मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे. और ये सेटिंग स्प्रे अब मेरे फेस पे बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई. तो अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर जो कि है मैक का नेचुरल रेडियंस पिंक प्राइमर. इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँ. टुडे आई एम यूजिंग मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड इन दी शेड NC25. मैं इसको अपने बैक ऑफ दी हैंड पे निकालूंगी, थोड़ा सा ही लूंगी. मैं सच में बताऊँ जो ये हमने ट्रिक करी है ना, इससे हमारा फाउंडेशन सी कितना सही से लगा है और बिल्कुल भी कहीं से पैच ही नहीं लग रहा है. हमारा फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट सी. मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये ट्रिक और नेक्स्ट टाइम भी मैं ये ट्रिक करूँगी क्योंकि इससे मुझे नहीं लग रहा कि मेरी यहाँ पे भी स्वेटिंग हो रही है. मेरे स्वेटिंग ही नहीं हो रही क्योंकि मैंने पहले जो सेटिंग पाउडर लगा लिया उसे सब सेट हो चुका है. तो ये मुझे अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी कोई भी सेटिंग पाउडर की. हम सिर्फ ये फाउंडेशन लुक करके देखना चाह रहे थे कि ये फाउंडेशन कैसा आता है मेरे फेस पे. सो गाइस आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस टेक्निक और मुझे ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी. आप लोग भी अपना ये टेक्निक करना. चलो विल डू अपना रेस्ट ऑफ द मेकअप. दिस इज़ द लुक विच आई हैव क्रिएटेड एंड यूजिंग दिस न्यू टेक्निक ऑफ अप्लाइंग फाउंडेशन एंड आई जस्ट लव दिस लुक. आई रियली लव दिस लुक. सीरियसली गाइज आई लव दिस लुक एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगे. सो इफ अच्छा लगता है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा एंड आई विल मेक सच मोर वीडियोज. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.